चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। सर, जो कोर्ट का अभी फैसला आया, 5 साल की सजा सुनाई गई, क्या कोर्ट के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते, मगर आम आदमी के तरह हमारी ये अपेक्षा थी कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को जिस तरह से उनकी आयु, उनके स्वास्थ्य और उनकी गरिमा को देखकर उनको बड़ी किया गया, उसी तरह आज हमारे नेता को भी बड़ी कर दिया जाएगा। मगर 5 साल की सज़ा दी गई है, मगर हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग जो देश के गरीब गुरबा दीन दुखी हैं, उनकी ये अपेक्षा थी कि लालू यादव जो है उनके छूट जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि जो फैसला आया है उस पर तो किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं, मगर इतना कहा जा सकता है कि भले देर हो मगर अंधेर नहीं है, आज न कल वो बड़ी होंगे। लेकिन कोर्ट ने राहत तो दी सर, मैक्सिमम 7 साल था, 5 साल सजा। आप बता रहे हैं कि हमने इसीलिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का उदाहरण दिया आपको। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तो पत्र लिखने वाले में से थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को भी स्वास्थ्य और आयु के आधार पर दिया गया था, वो तो बड़ी हो गए और बहुत सारे लोग बड़ी हुए हैं। एक तरह से जिनका एक तरह से फोर्डर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट था वो बड़ी हुए हैं, और इस वजह से हमारी अपेक्षा थी कि ये बड़ी हो जाएंगे। तो ये क्या लगता है कि जगन्नाथ मिश्रा के नाम में मिश्रा था, लालू यादव के नाम में यादव है, इसीलिए ऐसा हो रहा है? हमने इस तरह की बातें बोली है? नहीं, वही पूछ। हमने बोला नहीं है इस तरह की बात, मगर मैंने कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को जिस तरह से किया गया था तो हम लोग की अपेक्षा थी कि ये भी उसी तरह से छूट जाएंगे। अच्छा सर, पिछली बार जब सजा सुनाई गई थी लालू जी को, तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि अगर लालू जी बीजेपी में शामिल हो जाते तो उनके लिए राजा हरिश्चंद्र हो जाते। अब उनका जो बयान है उस पर आप क्यों अब पुराने बयान पे हमसे लग रहा है कि बीजेपी के तरफ से एक पॉलिटिकल टारगेट लिया जाता है हमेशा। कहते हैं कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, असली नकली चेहरा, समझा कि नहीं? तो आज न कल तो असली नकली चेहरा जो है साजिश करता, ये अब ये जो घोटाला है ये तो 900 करोड़ का है और 900 करोड़ का है जी। मगर अब एक सवाल आम जन कर रहा है कि नीरव मोदी कितना लेके भागा हुआ है, विजय माल्या कितना लेके भागा हुआ है, फिर आपको ये जो है कौन मोदी है, एक और ललित मोदी, वो कितना लेके भागा हुआ है? तो क्या सरकार इतनी कमजोर है या सरकार का प्रोटेक्शन है कि उनको ला नहीं रहे हैं? उनके खिलाफ अगर आप किए रहते तो समझ में आता कि समान दृष्टि समान धर्मा है आप। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in